नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र नागपुर में जनजातीय समूहों से की मुलाकात। आदिवासी समूह की ओर से बनाई गई कलाकृतियों को भी राष्ट्रपति ने देखा। कहा कि सरकार को एकलव्य स्कूलों में जनजातीय समूहों के प्रवेश के लिए अलग से प्रावधान करने की जरूरत। राष्ट्रपति ने आदिवासी समूह के लोगों के शिक्षा पर और अधिक काम करने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और 8 जुलाई को तेलंगाना और राजस्थान का करेंगे दौरा। उत्तर प्रदेश वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत बनने वाली 192 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। 192 गाँव के 7 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल होगा उपलब्ध। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को किया संवाददाता सम्मेलन। कहा कि किसानों के कल्याण और आजीविका बढ़ाने के लिए धामी सरकार प्रतिबद्ध। किसानों का उचित दाम मिलने से मिलेट के उत्पादन को बढ़ाने में मिलेगी सहायता। शीघ्र ही विभाग की ओर से बनाई जाएगी क्रय नीति। गोवा में भारी बारिश का अलर्ट। उड़ीसा के कई हिस्सों में भी अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना। तेलंगाना में हो रही बारिश से खरीफ मौसम की जागी उम्मीद। 1 सप्ताह के अंदर कुल बुआई क्षेत्र 16 लाख एकड़ से बढ़कर हुई 31 लाख एकड़। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागपुर में महाराष्ट्र के विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों से मुलाकात की। इस अवसर पर आदिवासी समूह के विभिन्न आदिवासी समूह की ओर से बनाई गई कलाकृतियों को भी राष्ट्रपति ने देखा। इस मौके पर राष्ट्रपति को आदिवासी समूह के प्रतिनिधियों की ओर से आदिवासी लोगों की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया गया। समारोह में विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार को एकलव्य स्कूलों में विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों के प्रवेश के लिए अलग से प्रावधान करने की जरूरत है, जिससे इन आदिवासी समूह के लोगों में शिक्षा पर और अधिक ध्यान दिया जा सके। और इससे पहले बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र गढ़चिरौली में गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 45% छात्राएं हैं और ये छात्राएं विशेष बधाई की हकदार हैं। इनसे प्रेरणा लेकर अन्य छात्राएं भी आगे बढ़ेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा कि किसी भी समाज के विकास के लिए, विशेषकर जनजातीय समाज और वंचित वर्ग की स्थिति को बदलने के लिए, शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी समाज के विकास के लिए, विशेषकर जनजातीय समाज और वंचित वर्ग की स्थिति को बदलने के लिए शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और आज लगभग 3,200 जनजातीय समाज के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई है। जनजातीय समुदाय और पिछले वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा के माध्यम से नई अवसर प्रदान करने के लिए मैं विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सराहना करती हूँ। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाना विश्वविद्यालय ने टैली, बेम्बो क्राफ्ट और फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। विश्वविद्यालय में जनजातीय अनुसंधान केंद्र भी कार्यरत है, जहाँ स्थानीय दृष्टि से उपयोगी विषयों पर अनुसंधान किया जा रहा है। समय समय पर मैं जनजातीय समाज के लोगों से मिलती रहती हूँ, मैं उनकी बातें सुनती हूँ तो पता चलता है कि वे लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं।
आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 8 जुलाई को तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 12,100 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 550 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाली 192 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इनसे 192 गांव के 7 लाख लोगों को शुद्ध पेय प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि के ऋण, पीएमएवाई ग्रामीण घरों की चाबियां और आयुष्मान भारत कार्ड भी वितरित करेंगे। इससे 5 लाख पीएमएवाई लाभार्थियों के गृह प्रवेश, 1.25 लाख पात्र लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि ऋण वितरण और 2.88 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरण के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आयोजित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और अश्वनी कुमार चौबे, 35 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 17 खाद्य मंत्री और अधिकारी और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार के अधिकारी उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान पीयूष गोयल ने एक नया चीनी एथेनॉल पोर्टल भी लॉन्च किया। भारत सरकार देश के सार्थक प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 घोषित किया है। इसी क्रम में देश और दुनिया में पोषक अनाजों के प्रचार प्रसार के साथ साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री अन्न को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने से पोषक अनाजों के रोजगार, व्यापार और कारोबार को कितना बढ़ावा मिलेगा, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय कृषि एवं सहकारिता सचिव मनोज आहूजा से। भारत सरकार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी संदर्भ में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अभी हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सचिव मौजूद हैं। ये बात करते हैं इनसे किस तरह मिलेट्स को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आर्थिक रूप से समृद्धि होगी। सर, मिलेट्स न्यूट्रिशन के संदर्भ में बात करें बहुत महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक आज कॉन्फ्रेंस में भी रखा, कितना जरूरी है इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना। देखिए, हम सब जानते हैं कि विश्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आजकल जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये बढ़े जा रही हैं और बहुत ज़रूरी है कि पोषक और न्यूट्रिशियस खाद्य हम हर प्लेट पे, हर थाली पे ले जाएं और इसमें मिलेट्स का बहुत बड़ा योगदान है। इसको सुपर फूड भी कहते हैं बिकॉज ये बहुत पोषक है, इसको पोषक अनाज भी कहा जाता है, बहुत न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशियस है। तो इसकी उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, बाहर और भारत के देश के अंदर बाज़ारों तक पहुँचाना, इसमें गुणवत्ता लाना, इन सब क्षेत्रों में कार्य चल रहा है। भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पे किसानों की उत्पादन के संदर्भ में मोटे अनाजों की खेती सबसे ज़्यादा होती है लेकिन मार्केट में दाम नहीं मिलता, ऐसे में अभी इन चीज़ों के प्रसंस्करण को लेकर कई तरह की जागरूकता आपके मंत्रालय ने की है, तो निश्चित तौर पर उनकी स्थिति किस तरह देखेंगे भविष्य में? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो दाम होती है वो एक डिमांड और सप्लाई से निर्धारित होती है, तो अगर आप चाहिदा बढ़ाएंगे या डिमांड बढ़ाएंगे तो दाम भी बढ़ेगी। तो यही हम इसी दिशा में कदम ले रहे हैं कि इसकी डिमांड कैसे बढ़े, जैसे मैंने कहा भारत के अंदर और भारत के बाहर भी, और ज़रूर जब ये होने लगेगा, सप्लाई चेन बनने लग जाएंगी, तो किसान की दाम जो अभी मिल रही है उससे भी अधिक मिलने लग जाएगी। विदेशों में मोटे अनाजों के मामले में जागरूकता की कमी के चलते इनका उपयोग और कंजप्शन कम है, लेकिन अभी ये यूनाइटेड नेशन ने इनिशिएट लिया। बाहर देशों से 30 देशों से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे 70 से अधिक कंपनियाँ हैं जिनके प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं और जो इंटरनेशनल चेन्स हैं उनके लोग भी आए हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी है लोगों में जागरूकता लानी, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाणिज्य मंत्रालय के साथ 16 ऐसे इंटरनेशनल मीट करे जाएंगे। तो यदि केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, जिनका मान कि भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर 2023 के आयोजन से एको जहां भारत में रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाओं को लेकर मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, वहीं किसानों की आमदनी बनने से वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत भी बनेंगे। मेरे से की कैमरामैन बंसीलाल के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली।
उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार निरंतर किसानों की आय और उनके उत्पाद को दोगुना करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि मंडुवे का MSP 35.78 रुपए से बढ़ाकर 38.46 रुपए कर दिया गया है। किसानों का उचित दाम मिलने से मिलेट के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। शीघ्र ही विभाग की ओर से क्रिया नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि एवं उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सर्वप्रथम दोनों विभाग दृष्टि पत्र तैयार कर अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उद्देश्य तय किए गए हैं। सहायतित परियोजना बागवानी के समग्र विकास के लिए जापान के सहयोग से उत्तराखंड एकीकृत औद्योगिक विकास परियोजना के रूप में उद्यान विभाग के अंतर्गत 526 करोड़ प्रथम बहाय सहायतित परियोजना स्वीकृत है, जिसका क्रियान्वयन जनपद टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल एवं पिथौरागढ़ में किया जाएगा। मौसम विभाग ने गोवा में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर गोवा में अगले 3 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं लगातार बारिश के कारण गोवा सरकार ने आज स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल आज बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। वहीं उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ जिले में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से हो रही वर्षा से राज्य में सामान्य खरीफ मौसम की उम्मीद एक बार फिर से गई है। पिछले महीने कम बारिश के कारण प्रभावित बुआई का काम को फिर से गति मिल गई है। कृषि विभाग के अनुसार इस सप्ताह भारी मात्रा में फसल की बुआई होने का अनुमान है। एक सप्ताह के अंदर कुल बुआई क्षेत्र 16 लाख एकड़ से बढ़कर 31 लाख एकड़ हो गया है। मौसम की स्थिति अनुकूल होने के कारण 24 लाख एकड़ क्षेत्र में केवल कपास की ही फसल लगाई गई है। पिछले 2 दिनों में राज्य में सामान्य बारिश 4.8 मिलीमीटर से अलग औसतन 25.1 मिलीमीटर के साथ 423% अधिक बारिश हुई है। लगभग सभी जिलों में आज सामान्य की अपेक्षा अधिक वर्षा हुई है। मौसम विभाग द्वारा इस महीने सामान्य बारिश के अनुमान से खरीफ गतिविधियां बड़े स्तर पर फिर से शुरू हो गई हैं। जगीताल, जयशंकर, भूपाल पल्ली और मुगुलू जिले में अभी बुआई की शुरुआत नहीं हुई है। वहीं केरल में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण पूरे राज्य में बड़े आने पर नुकसान की खबर आ रही है। कृषि और रिहायशी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। इडिक्की, कोट्टायम, कन्नूर, पथनमतिट्ठा, अर्नाकुलम, कोझीकोड, कासरगोड, अलप्पुझा जिला वर्षे से बुरी तरह से प्रभावित हैं। प्रभावित जिलों में नियंत्रण कक्ष और राहत शिविर लगाए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तेज वर्षा की आशंका जताई है और 12 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन वर्षों में केंद्र सरकार ने जल कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों के लोगों को भी मिल रहा है। किसानों की आय बढ़ाने की मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को परंपरागत खेती के साथ फूलों आदि की खेती के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़े। पेश है छत्तीसगढ़ के कांकेर से जमीनी हकीकत से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। रंग बिरंगे गुलाबों की महक से गुलजार ये खेत किसानों की समृद्धि की दास्तां बयां कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने की मुहिम के तहत किसानों की पारंपरिक खेती से कुछ अलग भी करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि ये किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सके। छत्तीसगढ़ के कांकेर के अंतागढ़ विकास खंड में युवा किसान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की मदद से नीदरलैंड के डच गुलाब की हाईटेक खेती कर रहे हैं। उन्हें इस काम में केंद्र सरकार की सब्सिडी योजना का भी लाभ मिला है।
युवा किसान मनीष ठक्कर ने बताया कि उन्होंने अपने खेत में 6 रंगों वाले डच गुलाब लगाए हैं। उनके फूल कांकेर, रायपुर, जगदलपुर के अलावा ओडिशा और दक्षिणी भारत के विभिन्न राज्यों में बिक्री के लिए पहुंच रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें राज्य ग्रामीण बैंक के माध्यम से करीब 25 करोड़ रुपए का ऋण मिला है। 2 एकड़ में अपना 8000 स्क्वायर फीट पे लगा हुआ है, इसमें 1,25,00,000 रुपए लगभग की लागत आई है। उसमें लगभग 50% गवर्नमेंट सब्सिडी है। यहाँ पे अपन अभी लगभग 20 लोगों को यहाँ पे रोजगार डेली मिल रहा है। तो कुछ दिक्कतें आ रही है कि जैसे फूल कभी सेल कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो अपन उसको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोर की कमी है यहाँ पे इस एरिया में, और आने जाने माल भेजने के लिए साधन की कमी है, जैसे ट्रेन यहाँ से कम जाती है। तो थोड़ा सा उस स्थिति में धीरे धीरे सुधार आएगा, ताकि ये सब चीज़ों में सुधार आएगा तो और भी किसान यहाँ पे इसके लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। फूलों की खेती में मजदूरी करने वाली योगेश्वरी और ऋतु ने बताया कि गुलाब की खेती में करीब 20 लोगों को रोजगार मिला है। फूल की देखभाल करने के साथ ही तुड़ाई और पैकेजिंग का काम भी करना होता है। फूल कटिंग करके हमारे मजदूर पानी में डालते हैं ताकि ये मुरझाए मत, ये लोग पैकिंग करके जगदलपुर, रायपुर और बहुत जगह में भेजे जाते हैं। और यहाँ हमारे मन घास वगैरह निकाल के यहाँ सफाई रखते हैं ताकि फूल के पौधा है एकदम अच्छा से बढ़े, वाला अच्छा ग्रोथ मिले। मैं नवागाँव से आता हूँ यहाँ काम करेला, और आता हूँ फूल कटाई करता हूँ, और कटाई करके फूल ला पानी में डालते हैं कि झन मुरझा करके, और सब जगह हम काम करेला था। कांकेर जिले के अन्य गाँव में भी अब किसान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की मदद से पुश्तैनी खेती से अलग हटकर डच गुलाब की हाईटेक खेती करने में रुचि ले रहे हैं। इससे उन्हें सालाना लाखों रुपए की कमाई हो रही है। कांकेर से जयंत रंगारी के साथ मनोज सोनोनी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की, देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डाले तो 5 जुलाई को मिर्जापुर और बहराइच मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं धोराजी और जसदन मंडी में भाव नरम रहे। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 4 जुलाई को अरहर का भाव रहा 9,180 रुपए, 5 जुलाई को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 8,980 रुपए। राज्य की ही जसदन मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 जुलाई को अरहर का भाव रहा 8,000 रुपए, 5 जुलाई को इसके सौदे 250 रुपए लुढ़क कर 7,750 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में 4 जुलाई को अरहर का भाव रहा 7,365 रुपए, 5 जुलाई को इसके भाव 20 रुपए चढ़कर 7,385 रुपए पर हुए। बहराइच मंडी में बीते मंगलवार को अरहर का भाव था 7,225 रुपए, बुधवार को इसके भाव में 300 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 7,525 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में अरहर के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में अरहर का भाव रहा 7,050 रुपए, गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8,600 रुपए, जबकि राज्य की ही मैनपुरी मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 7,045 रुपए पर हुए। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी, यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6,00,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था, यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
इन दिनों कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो सावरकुंडला और दाहोद मंडी में तिल के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं धोराजी मंडी में भाव नरम रहे, जबकि जसदन मंडी में इस दौरान तिल के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की जसदन मंडी में 4 जुलाई को काले तिल का भाव रहा 13,500 रुपए। 5 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने नहीं मिला और भाव 13,500 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान काले तिल के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 जुलाई को काले तिल का भाव था 14,850 रुपए, 5 जुलाई को इसके सौदे 63 रुपए चढ़कर 14,913 रुपए पर हुए। वहीं दाहोद मंडी में 4 जुलाई को सफेद तिल का भाव रहा 12,000 रुपए, 5 जुलाई को इसके भाव में 500 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 12,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। यहां 4 जुलाई को सफेद तिल का भाव था 15,005 रुपए, 5 जुलाई को इसके सौदों में 450 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 14,555 रुपए पर आ गया। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन ही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। बिहार में धान की नर्सरी तैयार करें, धान के खेत से खरपतवार निकालें। किसान जूट के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं मक्के की बुआई कर लें, इस समय लौकी की बुआई करें, साथ ही भिंडी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। यहां खीरे की बुआई करते रहें। बिहार में कद्दू भी बोएं, इसके अलावा ज्वार की बुआई कर सकते हैं। किसान बाजरे की भी बुआई कर ले, इसके साथ ही लोहा की बुआई करें, वहां आम की रुपाई करते रहें। आम के बागों में जरूरी उर्वरक डालें, इसी तरह लीची की रुपाई के लिए समय उचित है। लीची के बागों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। झारखंड में मूंगफली की बुआई कर ले। किसान अरहर की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अरहर के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। यहीं मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मक्के में कीट लगने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं किसान मूली की नर्सरी तैयार करते रहे। झारखंड में हल्दी की रुपाई का समय उपयुक्त है, इसके अलावा टमाटर की रुपाई की जा सकती है। साथ ही आलू की नर्सरी तैयार कर ले। अभी धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की एक हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है, इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की एक हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। एक हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी।
फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत पे भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो केथी कितानी के बाद देखते हैं कुछ और खबर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम मोदी इन राज्यों में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 4 राज्यों के 5 बड़े शहरों रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल, बीकानेर में पीएम मोदी लगभग 50,000 करोड़ रुपए की करीब 50 परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। इसरो के इस बेहद महत्वपूर्ण मिशन में इनकैप्सुलेटेड असेंबली को लॉन्च व्हीकल से जोड़ दिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा और चीजें योजना के मुताबिक हुई तो 13 जुलाई को इसके श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने की उम्मीद जताई गई है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट पर डिजिटल इंडिया डायलॉग के दौरान उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा जगत के विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था अब हमारी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। दिल्ली स्पेशल सेल और एक अपराधी के बीच रोहिणी के सेक्टर 20-30 के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद कामिल नामक कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो दिल्ली में हत्याओं की कई वारदातों में शामिल रह चुका है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ 12 से अधिक मामले दर्ज हैं। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दोगुना कर दिया है। अब इस योजना के लाभार्थियों को 5 लाख रुपए की जगह पर 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। गुजरात सरकार का ये फैसला इस महीने की 11 तारीख से लागू हो जाएगा। आरबीआई की एक समिति ने रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। इनमें घरेलू रुपए में विदेशी लेन देन की भारतीय बैंकों को मंजूरी देने और प्रवासी नागरिकों को रुपया खाता खोलने की अनुमति देना शामिल है। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।